विद्यार्थियों, आज हम कुछ वैश्विक संकट का जो ये दौर चल रहा है उस पर आप लोगों से अपने कुछ विचार साझा करेंगे। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा ही संभव है, लेकिन कभी कभी शासकों की अधिनायकवादी मानसिकता के कारण युद्ध अवश्य संभावी हो जाता है। युद्ध दो या तीन राष्ट्रों के बीच में अब नहीं लड़ा जाता, क्योंकि विश्वग्राम की अवधारणा और भौगोलिक दूरी का सिमट जाना, यह एक दूसरे अर्थात संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है, और विश्व की निर्भरता एक दूसरे पर वैश्विक जगत में अब ज़्यादा हो गई है। एक दूसरे पर निर्भरता एक दूसरे को पक्षगामी बनाती है। पूरा विश्व दो या तीन खेमों में बंट जाता है। ऐसे में जनता मूक दर्शक की भूमिका में रहती है और यूएनओ एक बेअसर भूमिका में ऐसे क्षणों में अक्सर दिखाई देता है। वैश्विक दबाव बनाने में अक्सर यूएनओ कमज़ोर सफ़ेद हाथी ही साबित होता दिखाई पड़ता है। विश्व के देश अपने संबंधों व निर्भरता के आधार पर कूटनीतिक रणनीति बनाते हैं। 21वीं सदी मुझे तो काली सदी होती दिखाई दे रही है। पुतिन, शी जिनपिंग जैसे और दूसरे कट्टरवादी नेताओं ने उदारवादी समाज को अक्सर विफल करने का काम किया है। जितने भी तानाशाह हैं उनकी यह मनोवृत्ति होती है कि यह विश्व उथल पुथल से भरा रहे, जिससे उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी रहे। ऐसे में भारत की स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है, क्योंकि रूस से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और यूक्रेन भी हमसे आशा करता है, इसलिए क्योंकि कच्चे तेल की निर्भरता हमारी उस पर ज़्यादा है। इस कारण यूक्रेन भी चाहता है कि भारत हमारे इस संकट के समय में हमारे साथ आए, और अगर यह युद्ध लंबा चला तो भारत को 1,00,000 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है।